प्रताप यादव एक बार फिर विवादों में हैं। तेज प्रताप यादव के ऊपर उनके अपनी ही पार्टी के नेता सनोज यादव ने पिटाई का आरोप लगाया है। सनोज यादव ने कहा कि तेज प्रताप यादव ने गोली मारने की भी बात कही है। क्या कुछ कहना है सनोज यादव का, आइए सबसे पहले वो सुनते हैं। आपने रूम से निकले और पूरे जिसकी की आवाज बोलोगा मैं कैसे चला आया, इसको बाहर को आदेशित के एजेंट है, कई गालियों से नवाजा गया, गोलियों से मारने के धमकी दी गई। तेज प्रताप यादव ने हमको जैसे काला धर के दूचाता जिसकी मारा कि तुम्हारा औकात हैसियत कैसे कि हमारे चला है। लालू जी भी नहीं किया, हम लाख गुहार में लगाएंगे, लालू जी हमको बचाइए। लेकिन हमारे रूम में बैठे हुए निकले, हमको जैसे काला धर के दूचाता जिसकी मारा कि तुम्हारा औकात हैसियत कैसे कि हमारे चला है। लालू जी भी नहीं किया, हम लाख गुहार में लगाएंगे, लालू जी हमको बचाइए। लेकिन हमारे रूम में बैठे हुए निकले नहीं, लालू जी भी नहीं निकले। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि तेज प्रताप आए गुस्से में आते, क्या उनके हाथ में कुछ रहता तो क्या आपको लगता है कि आपकी जान भी जा सकती थी? जिस तरह से जा सकती थी, अगर कुछ रहता तो हमको हमला कर, लेकिन थप्पड़ थे हमारे, जिस तरह में तो हत्या कराने की साजिश होने से जा रहे थे। हमें तो अगर जान में बचे थे ईश्वर के बदौलत ही बची, भगवान हमको सहाय थे बचाए, हमें आप लोगों के बीच में आज उपस्थित हुआ। तो आपने सुना सनोज यादव जी को, और सनोज यादव जी खुद हमारे साथ मौजूद है इंडिया न्यूज पर। सनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर आपने बहुत संगीन आरोप लगाया है, मेरा पहला सवाल, क्या आधार है इस आरोप का? देखिए मैडम, तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री ने जो भी हम पर आरोप लगाए हैं वो निराधार है, बिना बुनियाद है। अपने पाप को छुपाने के लिए, अपनी कमियां को छुपाने के लिए उन्होंने अभी तक कोई आरोप आपके ऊपर नहीं लगाए हैं। जो सनोज जी आरोप आप लगा रहे हैं, सनोज जी आरोप आप लगा रहे हैं, अभी तक तेज प्रताप जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जी जी, हमारी आरोप मैडम यही है कि जैसे रामचंद्र पूर्वे जी का बयान आ गया कि 22 तारीख को भाई सनोज को पार्टी से निकाल दिया गया, तो 22 तारीख को ही बैठक हुई थी तो एक आदरा विकास करता है, कुछ बात होता तो नोटिस दिया जाता है, तो हमको नोटिस भी नहीं दिया गया और 22 तारीख को ही निकाला गया। तो 23 तारीख जब इफ्तार पार्टी थी तो इफ्तार पार्टी में बजाते हमको निमंत्रण दिया गया और हमें ये इफ्तार पार्टी में जाने का न्योता मिला गया कि आपको 10 नंबर पे 1 नंबर के मुख्य द्वार पर आना है, आए हुए अतिथियों को स्वागत में और पार्टी के प्रधान महासचिव मुनका सिंह के यादव के द्वारा साथी हमको लगाया गया था, वो लिस्ट भी है लेकिन आज अभी मेरे पास नहीं है, उसको बाद में हम आपको जारी करेंगे। लेकिन ये प्रूफ है, ये जो भी आरोप लगा रहे कि निकाल देगी, ये सब झूठा निराधार है। रामचंद्र पूर्वे जी अपने जैसे की अध्यक्ष की कुर्सी बचाने के लिए इस तरह के झूठा आरोप लगा रहे हैं। सनोज जी आप मुझे बस ये बताइए, अभी देवी के आवास पर गए थे और जैसे ही जी आप जब इफ्तार पार्टी में पहुंचे तो वहां हुआ क्या, ये आप हमें बताइए। उसमें मैडम हुआ कि जैसे मैं 4 बजे गेट के अंदर मैं प्रवेश किया, अपने जिम्मेवारी जो ड्यूटी दिया तो उसको निभाने के लिए, और बस जाने के बाद कई ऐसे साथी कार्यकर्ता नेता वहां पर मौजूद थे, बड़े लोगों से प्रणाम पाती हमने 1-2 मिनट तक किया, और जैसे ही आगे बढ़ा एक आम का पेड़ है, स्वास्थ्य मंत्री जी उसी के सामने एक आवास से छोटा सा रूम है, उस उन्हीं जब आवास से निकले तो मैंने उनको प्रणाम किया। प्रणाम करते हैं जिस तरह से आग बबूला हो गए, आंख लाल पियर करके पूरे हम पर बरस गए, गाली गलौज से जिसके हमको नवाजा गया। आज मैं अभी समझ से मैडम नहीं भर पाया हूँ, लेकिन मैं गाली गलौज करने लगा और जैसे कि मारपीट करके हमको बुलाया गया कि आरएसएस का एजेंट है, भगाओ इसको, भगाओ, ये कैसे चला आया मेरा आवास में, इस तरह से नवाजा किया, गोली से मरवाने की धमकी भी दी गई, हम लाश बचाया गया, हम लाश जैसे कि लालू जी अपने घर के रूम के सामने बैठे हुए थे, हमने निवेदन किया, आग्रह किया कि सर हमें बचाया जाए,
इस तरह की घटना मेरे संग मारपीट किया जा रहा है, कई थप्पड़ लात गुस्से से हमको जिसकी मारा गया, कई हमको अंजोड़ी हमको जिसने की शरीर में चोटी भी आई, जिसको मैं विवरण नहीं कर सकता हूं मैडम। क्या दल में हमको 30 साल तक मैं राष्ट्रीय जनता दल में सेवा किया और लालू यादव के हर दुख और दर्द में मैं सहाय बनकर कदम में कदम मिलाकर के चलने के काम किया। क्या वही हमको ईमानदारी की यह सजा लालू जी के पुत्र बड़े तेज प्रताप यादव जी ने हमको दिया? सरोज जी चलिए, हमने सपनों भी कल्पना नहीं सोचा था। सरोज जी चलिए, मैं मान लेती हूँ कि उन्होंने आपके साथ मारपीट की, गाली गलौज की। आज आपके मैडम जी, सनोज जी आप कह रहे हैं उन्होंने आपके साथ मारपीट की, गाली गलौज की, पर वो आखिर कह क्या रहे थे आपसे? उनके गुस्से की वजह क्या थी? आप वजह नहीं बता रहे हैं गुस्से की, वो वजह क्या थी? वो क्यों आपके साथ गाली गलौज और मारपीट आपको देखते ही करने लगे? उनको गुस्सा, देखिए मैंने कुछ हमारे विरोधी लोग पार्टी दल में है जो 2-3 दिन से वो पूरे जैसी कान तेजस्वी यादव के भरे हुए थे, और कई सालों से हम टीविया में मुखर होकर के बात पार्टी का नेता का जैसे कि हम अपने पक्ष में रखने का काम करते थे, जो विरोधी खेमा है उसको पच नहीं रहा था, वो बढ़ा चढ़ा करके तेज प्रताप जी को जिसकी बहकाने का कान भरने का काम किया। जैसे ही मैं इफ्तार पार्टी में गया तो वो जिससे कि बरस पड़े गाली गलौज डंडे से और घूसे लात घूसे से मारा गया, प्रहार किया, गोली मारने का आदेश गार्ड को दिया कि इसको मार दो। आज भी मैं सदमे में हूँ, डरे हुए हूँ। मैं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं मांग करना चाहता हूँ कि हमारे जान माल की हमकी रक्षा किया जाए और हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए कि हमारी जिंदगी हमारे परिवार पूरा जो है सदमे में जिसकी पड़ा हुआ है, हमारी जिंदगी का कहीं भी बाहुबली है और बड़े नेता के पुत्र हैं, कभी भी किसी का साथ कुछ भी करवा सकते हैं। इसलिए न्याय की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार जी से यही मैं मांग करूंगा कि हमको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, हमारे परिवार की रक्षा किया जाए कि कभी भी कुछ उस नेता के द्वारा हमारे साथ घटना घटित हो सकती है। बिल्कुल सनोज जी, आप मुझे ये बताइए, आपका कहना है कि वो विपक्षियों के बहकावे में आके तेज प्रताप जी ने आपके साथ ये सब कुछ किया, क्या आपने अपनी सफाई देने की कोशिश नहीं की? आप मीडिया के सामने आ गए और पूरी शिकायतों का पुलिंदा रख दिया, क्या आपने लालू यादव जी से या तेज प्रताप जी से अपनी सफाई नहीं दी? मैडम सवाल सफाई सर किसको देना है? जो घटना घटा, जो जिस 30 वर्षों तक में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ कदम में कदम हर दुख से हमने उनके साथ निभाया, और उनके पुत्र जो हमारे सामने उनको जन्म लिया था, मेरे सामने एक नंगमार में खेलते थे, बड़े हमारे सामने आंखों के सामने हुए, ये सारा घटना हमारे आदरणीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी की आंखों के सामने हुआ, वो देखते रह गए। मैं गुहार लगा कि सर हमको बचाया जाए, मैंने सरदार के पुत्र इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? 50 गज की दूरी पर उनकी आवाज था, लालू यादव टुकुर टुकुर देख रहे थे, लेकिन उनको हिम्मत नहीं हुआ अपने बड़े पुत्र के सामने करके आकर के हमारे जान माल के हम ये रक्षा करे या पुत्र को जैसे कि बातें या समझाए। यह अनहोनी घटना है, ये कई भी और भी किसी कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह की घटनाएं घटा है, कई जैसे कि लोगों को मारा पीटा गया है, लोगों ने डरे जुबान से अपने जान माल की रक्षा के चलते डरे अपने मीडिया के सामने नहीं आया था, लेकिन ये भाई सुनो यादव हिम्मत जुटा करके आप लोग के सामने आया है और हमें इंसाफ चाहिए। और ऐसे जैसे कि रंग नेताओं को नीतीश कुमार से मैं मांग करूंगा कि इसको ऐसे नेताओं को स्वास्थ्य मंत्री को अपने दल से अपने सरकार से मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे कि जो एक अपने कार्यकर्ता अपने जिसके नेता के सामने हमने दानापुर विधानसभा से 3-3 बार हमें टिकट काटा गया, लालू यादव के परिवार के दबाव में हमारे टिकट काटा गया, लेकिन फिर भी मैं दल में रहा। लालू यादव ने बोला के कहा कि सरकार आएगा तो समाज उचित भागीदारी देंगे, सम्मानजनक पोस्ट देंगे, MLC बना देंगे। ये तो 1.5 साल दूसरा सरकार का हो गया, फिर भी मैं अपनी पार्टी का मुखर होकर के प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन प्रवक्ता के हैसियत से ही पार्टी में डिबेट में जाते तो अपने नेता के राबड़ी देवी के मिश्रा जी के सारे पार्टी का मैं बात को अपने डिफेंस में रखने का काम करता था। और जो ईमानदारी का जो 30 वर्षों को जो हमने दल में पार्टी में जो काम किया वही आज हमको ये सजा स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप ने देने का काम किया है, इसलिए ईश्वर उनको भला करे, उनको ईश्वर जो है कभी माफ नहीं करेगा। एक गरीब कार्यकर्ता किसान का बेटा सनोज जी खुदा माफ नहीं करेगा। आप मुझे ये बताइए अपने मंत्रिमंडल से
ऐसे स्वास्थ्य मंत्री जी को बर्खास्त करें। वो नीतीश कुमार जी का फैसला है, वो लेते रहेंगे। आप मुझे ये बताइए कि आपके ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ, आपको मारा पीटा गया, गाली दी गई, और आपका कहना है कि उन्होंने कहा कि गोली मार देंगे, आप पुलिस में गए कि नहीं गए अभी तक? देखिए मैडम, पुलिस में जाते हैं लोग अपना, कई लोग बना ऐसे नौबत आएगी दोबारा पुनः, जैसे कि हमें अगर टॉर्चर करने का प्रयास किया जाएगा या जान मान मारने की धमकी दी जाएगी तो निश्चित तौर पे मैं FIR कराने के लिए मैं थाने में जाऊंगा। लेकिन मतलब आप दोबारा जब वो आपको दोबारा धमकी देंगे जान से मारने की तब आप पुलिस में जाएंगे? मीडिया के सामने हमने अपनी बातों को रखा है। मतलब जब वो आप इंतजार कर रहे हैं कि वो एक बार फिर आपको मारे, दोबारा आपको फिर धमकी दे, तब आप पुलिस स्टेशन जाएंगे? और मुख्यमंत्री भी अगर कोई फैसला लेंगे उनको पद से हटाने का या रखने का, तो आपको कंप्लेंट तो करनी चाहिए ना सर? आपको पुलिस में कंप्लेंट तो करनी चाहिए ना, अगर आपके साथ मारपीट हुई है। कल ही जो है हम थे, आपके कहना सही है, कई लोगों ने कहा है, और मैं अपने परिवार से गार्जियन से राय विचार अभी मैं ले रहा हूँ, लूंगा। और अगर जैसे कि जिस तरह से परिवार के लोग हमें गाइडलाइन देंगे, और मैं अभी माइंड मेरा अभी ठीक नहीं है, अगर आदेश होगा हमारे गार्जियन के तो निश्चित तौर पे हमें FIR भी करने के मैं काम करूँगा। ये आपके गार्जियन कौन है? क्या RJD के ही कुछ नेता आपके गार्जियन है, या आप किसकी तरफ आपका इशारा है? मैं भी, लेकिन हमारे घर में भी हमारे पिताजी, वो भी हमारे सामाजिक जीवन से ही कई दल में जैसे कि रहे, उनके भी सिरे प्यार हमेशा हमारे गार्जियन के मिला है। जब इस मुकाम तक, इस कद तक पहुंचे हैं, तो केस मुकदमा करने की बात है, तो हमने हमारे पिता श्री से मैं राय विचार लेकर के, और निश्चित तौर पर अगर होगा तो इस कदम को मैं आगे मैं बढ़ाऊंगा। सनोज जी, आप मुझे ये बताइए कि जब इतना बड़ा पूरा मामला हो गया, आपका ये इल्जाम है कि लालू प्रसाद जी वहां सामने बैठे हुए थे, क्या पार्टी कार्यकर्ताओं ने या किसी ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की? और अगर किसी ने नहीं की तो क्या माना जाए कि कोई आपके साथ नहीं है इस पर? देखिए, साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत कार्यकर्ता है, हमारे घटना से बहुत मर्माहत है, दुखी है, दबे जवान में बहुत सारे कुछ लोग कर रहे हैं। हमने बहुत ऐसे पार्टी में जो है लोग अपने भावनाओं के डर से लोग बयान नहीं कर पाते, लेकिन तेज प्रताप यादव को जो रुसूख रहा है दबंगी वाला, लगातार कई कार्यकर्ताओं नेताओं को उन्होंने जिसके निशाना बनाने का काम किया है, अपने पिताजी को भी उन्होंने निशाना बनाया है। जब अपने पिताजी के नहीं जैसे गए, तो इससे डर से कोई भी कार्यकर्ता उनके सामने हमें बचाने के लिए नहीं आया। मैं जैसे कि लालू जी से मैं गुहार भी लगाया कि हमको आदरणीय लालू प्रसाद जी बचाया जाए जी। क्या हो रहा है आपके नजरों के सामने? बिल्कुल सनोज जी, हम आपका दुख समझ सकते हैं, आपकी परेशानी समझ सकते हैं, पर हमारा यही कहना है कि आपके ऊपर हमला हुआ है तो आपको पुलिस में जाना चाहिए, कानून के ऊपर विश्वास रखना चाहिए।